अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लाया हूं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की लुक को बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, आपने इस एप्लीकेशन से बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पर वॉलपेपर मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के। तो अगर आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको ये वॉलपेपर नज़र आ रहे हैं, अगर आप भी इस तरह के वॉलपेपर लगाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। इस वीडियो में मैं मुकम्मल तरीके के साथ आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वॉलपेपर ये डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे वॉलपेपर जो लगा हुआ है, आप भी इस तरह के वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आपने ये वाली एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे फुल स्क्रीन में वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो जस्ट मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के वॉलपेपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है वॉलपेपर जो आपने अपनी स्क्रीन पे लगाना है या किसी को शेयर करना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वो किस तरह करेंगे, जब जैसा कि यहाँ पे मैं कोई भी एक अच्छा सा ले लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगाना है या लॉक वाली स्क्रीन पर लगाना है या किसी को शेयर करना है तो आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा तो आपने इस तरफ करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। तो इनमें से मैं ये वाले ये अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैसे अप्लाई करना है, आपने ये तीन डॉट वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा सेट पिक्चर, तो आपने सेट पिक्चर पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अगर होम स्क्रीन पे लगाना है या लॉक स्क्रीन पे लगाना है वो यहाँ से ही लगा सकते हैं। अगर आपने किसी को शेयर करना है व्हाट्सएप पे तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे लगाना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ पर मैं वाल पेपर एंड गैलरी पर क्लिक कर दूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो अब आपने ऊपर जो टिक वाला निशान है इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने होम स्क्रीन पे लगाना है या लॉक स्क्रीन पे लगाना है। तो लेकिन मैं होम स्क्रीन पे लगाना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं ये होम स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा। जब होम स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा जो वॉलपेपर है ये अप्लाई हो चुका है। अगर आपने चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये आपके मोबाइल पर फुल स्क्रीन में वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती आपके मोबाइल की बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।